लगेगा, बैठ कर देगा लड़कियां बैठ। तो ये हमारा 30 डेज डिसिप्लिन चैलेंज का डे 11, ये हमारा हॉस्टल है, ब्रश कर लिया। अब हम अपनी पहली मील बनाएंगे जो कि है ओट्स और वे प्रोटीन। तो आज मेरा कॉलेज डे 1:30 पे है क्योंकि SBL का पेपर है, पता नहीं कुछ तो होता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो पहले मैं पहली मील खा लेता हूँ फिर कुछ खाता। तो गाइस ये हमारी फर्स्ट मील है, तो इसमें देखो फ्रूट हमें मिला नहीं, मैंने बहुत सारे जूस निकाल देंगे मैस वाले, अलग बात है फिर। और ये ओट्स और साथ में वे प्रोटीन डाला हुआ है, तो ये हमारी फर्स्ट मील है। इसके बाद हम आपको सेकेंड मील दिखाएंगे, सेकेंड मील और दूसरी वाले को शायद मैं आज कंबाइन ही कर दूँ क्योंकि मेरे को 3 बजे जिम जाना है, तो मैं कॉलेज जाने से पहले वो एक साथ ही लगा दूँगा क्योंकि शाम को करना है। तो मेरी एक दोस्त ने मुझे बोला है बहुत बुरा गरबा पे आ, मेरे को आना पड़ेगा गरबा पे जाना पड़ेगा, पर भाई तुम्हारा इतना सेक्सी लगेगा बैठ कर देगा लड़कियाँ बैठ कर। तो भाई 11 बज चुके हैं, हम एक ब्रेड और पीनट बटर खा रहे हैं, साथ में हमने पनीर खाना होता है, पनीर हम खाने के साथ खाएंगे क्योंकि रोटी आज मैं जल्दी खाऊंगा 12:30 क्योंकि मेरे को जिम जाना है 3 बजे 3:30 तक जाना है क्योंकि हमारी गरबा नाइट स्टार्ट हो जाएगी, डीजे नाइट भी है तो 5:30 तक स्टार्ट हो जाएगी, तो हम 3 से 4:30 तक जिम लगा के आ जाएंगे फिर उसके बाद जाएंगे। तो ये खा रहा हूँ मैं, तो उसके बाद मैं जा रहा हूँ एक जगह, मेरे को कुछ सामान लेना है, शाम को मैं आपको आउटफिट दिखाऊँगा अपनी क्या, तो मैं वेट करने वाला हूँ, देखना आप। ओके बाय। सो गाइस ये है हमारा लंच, तो लंच में हमने चावल लिए, दाल अच्छी बनी थी, दाल ले ली है साथ में, दाल भी ली है, थोड़ी सी सब्जी भी ली है, अभी काप लोड कर रहे हैं, 4 फुलके भी लिए साथ में, और ये पनीर मैंने बोला था मिक्स कंबाइन करूँगा मैं साथ में, तो ये पनीर भी साथ में खाऊँगा, और ये 4 भी डाइजेशन के लिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मिल रही है हमारी। इसके बाद हम चेस्ट ट्राइसेप ट्रेन करेंगे गरबा से पहले, काट फाड़ देंगे। काली देना ज़रूरी था क्या? बंद करने को निकलना है 15 मिनट में यार। इस हमने लंच कर लिया, तो अभी हम निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। तो 1:20 हो गए हैं, 1:30 पे टेस्ट है, वही पेपर जो भी SBL का कुछ है, तो वो जाना है, फटाफट ऑटो पकड़ते हैं, तो निकलते हैं फटाफट, निकलना पड़ेगा फटाफट, मैं देखता हूँ अगर ऑटो मिलता तो। चलो ओके भाई। ये पहला ऑटो पूछा, गूगल पे भी था और साथ में साइन भी जा रहा था, फटाफट मैं अभी, मैंने बोला 1:20 हो गई जल्दी जल्दी चलो, आप मैं बोल रहा हूँ किस्मत हो तो भुवन शर्मा जैसी हो, बाकी ना हो चलो ठीक है, मैं पहुँचता हूँ कॉलेज। सो गाइस हमने पेपर दे दिया है, तो हम कितने बजे, 1:30 पे, तो मैं 1:25 पे तो निकला था कॉलेज से, तो अभी टाइम हो रहा है 2:10 पे हम पेपर दे के आ भी गए हैं। ये होती डेल, सारे क्वेश्चंस आए हुए थे उस पर कि ग्रुप पे आए हुए थे, यहाँ वो आसान नहीं थे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, इतना तो दिमाग आता ही है, तो फटाफट हमने पेपर दिया, तो जो पेपर था फटाफट लिखा और 10 मिनट में पेपर दे के हम निकल गए। यार उन्होंने बोला 1 बजे पेपर स्टार्ट हो गए, मैंने बोला ये क्या हो गया, पेपर पहले ही हो गया ये चीज़, बट फिर वो नहीं, फिर मैम को बोला, मैंने बोला कि मैम पेपर नहीं है, तो मैम बोलती कोई बात नहीं अभी कर लो, मैंने ऑफिशियल ग्रुप पे मैसेज ही नहीं आया था, तो ये सीन, तो अभी फटाफट किया, तो अभी मैं लोकल स्टेशन पर हूँ, देख सकते हो आप, लोकल का वेट कर रहा हूँ, अभी मैं लोकल पकड़ूँगा और जाऊँगा वापस हॉस्टल, गरबा नाइट है, थोड़ा रेस्ट करूँगा आधा घंटा, फिर जाना है चेस्ट ट्राइसेप, चेस्ट और बाइसेप ट्रेनिंग करना, बाइसेप कल रहा गया था ना, तो बाइसेप ट्रेनिंग करेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ओके बाय। गाइस हालत देखो, फुल रोज तुरला की हालत देखो। तो गाइस हम आ गए हैं वापस, तो मैं आपको आज सीन सुनाता हूँ कि क्या हुआ हमारे साथ। मैं उधर था, लोकल से आ रहा था, तो यार लोकल के बीच ना मैं कुरला से आ रहा था, तो कुरला में बहुत रश था, तो मैं साइड पे ही था, मेरे को तिलक नगर उतरना था, तो मैं साइड पे ही था, तो यार वहाँ पता है क्या हुआ कि मैं साइड पे खड़ा था, तो एक मतलब कि मतलब आदमी आया, आदमी के साथ छोटी सी बच्ची थी उसकी, तो वो साथ में आ रहा है, तो उसने मेरे को साइड किया, धक्का दिया, मेरे को चढ़ गया गुस्सा, मैंने सोचा आज पिटा हुई मेरे हाथ से, क्योंकि मेरे को ऐसे यूजली धक्का खाने की आदत नहीं, मैं इतना नहीं करता, तो एक बार धक्का दिया, मैंने ट्रेन से ही बाहर फेंक दिया उस लड़के को, वो अलग बात है, बट था वो आया, तो मैंने उसको देखा, तो मैंने फिर कुछ चढ़ा गुस्सा, मैंने उसकी साइड देखा, फिर मैंने छोटी सी बेटी है उसके साथ, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसको बोला साइड, तो उसको मैं टच हो रहा था, तो मेरे ये शोल्डर्स टच हो रहे होंगे, उसको बज रहा होगा मेरा बैग लड़की को, तो बार बार मुझे धक्का दे रहा था, साइड कर रहा था, तो मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा था,
मतलब मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था भाई कि भाई ठीक है, एक मतलब बाप अपनी बेटी के लिए मतलब इतना तो करते हैं, प्रोटेक्टिव होता है ऑब्वियसली। तो मेरे को वो अच्छा लग रहा था कि कैसे पापा अपनी बेटी को बिचा रहा है सबसे, मतलब ये चीज़ की कोई उसको टच नहीं करने देना चाहिए और ये चीज़ नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। और आगे जो लड़कियां होती हैं वो अपने बाप को ये बोलती हैं, बाप ये ऐसा वैसा, और बाप मतलब कि छोटे होते लड़कियों को कितना कुछ करता है उनके लिए या ये चीज़ें करता है। तो ऑब्वियसली यार ये चीज़ करना चाहिए कि तुम्हारे पापा भी तुम्हारे लिए करते हैं। ये तुम्हें रियलाइज़ होता है, रियलिटी चेक होता है जब बाद में जब तुम बड़े हो जाते हो या तुम्हारे बेटे या तुम्हारी बेटियाँ तुम्हारे साथ ऐसा करती है, बट तब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं होते तुम्हारे साथ। ठीक है भाई, उससे पूछना जिसका बाप जिसके पास नहीं होता ना, जिसके पास उसका बाप नहीं होता यहाँ के, तो उसको बड़ा बुरा लगता है। उसको कभी कभी फील होता है जब सबके बाप से बात करते हैं ना, पापा ये बेच दो ये बेच दो, उसके पापा नहीं होते ना, उसको बहुत बुरा लगता है। तो वही चीज़ है यार कि अपने पेरेंट्स की इज्जत करो। मैं भी कभी कभी गुस्से में अपनी मम्मी से लड़ लेता हूँ, बट बाद में मेरे को रियलाइज़ होता है यार मम्मी की भी क्या गलती है। ऑब्वियसली शी इज़ प्रोटेक्टिव अबाउट मी, शी इज़ थिंकिंग अबाउट मी ओनली। तो बात खत्म। तो फिर मैं सामने देख रहा था उसको, तो मैंने लड़की को कुछ नहीं बोला, मैंने लड़की देखी, मैं लड़की को हाय कर रहा था, मैं ऐसे बच्चों वाली हरकतें कर रहा था उसके साथ। तो फिर मेरे पास कैश तो थी नहीं, मैं कैश लेके घूमता नहीं, गूगल पे ही लेके घूमता यार, कैश उड़ जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, कैश तो था नहीं, पेन था एक, तो पेन दे दिया उसको, तो पकड़ाया तो वो खुश हो गई। तो एक मादरचोद इंसान उसके साथ था, तीसरा बंदा, मतलब एक वो छोटी बच्ची थी, एक उसका पापा था, एक और था चूतिया कोई। मैंने पेन दिया उस लड़की को, वो मादरचोद ने पेन लिया, पेन लेके ऊपर ना पंखा फेंक गया, पंखा चलने लग गया। अबे गांडू, पेन चलाने के थोड़ा दिया, फिर उसको दिया लड़की को, तो उसका पापा उसको उसके हाथ पे लिख अपने हाथ पे लिख के दिखा रहा था कि भाई ये पेन होता है। तो मैंने उसको बोला कि पढ़ लेना भाई, तो यार वो कितनी खुश हो गई, वो पेन से ड्राइंग करी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। तो पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैंने कुछ किया, मेरे को मतलब कि मैंने स्माइल लाई उसके फेस, तो वो बड़ा अच्छा लगा। तो उसकी मैंने वीडियो भी बना ली, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो वीडियो बड़ी मतलब कितनी खुश थी लड़की, मतलब छोटी सी लड़की भाई इतनी खुश है। और वही यार कि अगर तुम्हें कोई ऐसे नीडी मिले या तो भी चीज़ ऐसा करे वो चीज़ करे, तुम्हें मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कि 10 रुपये नहीं देने हैं मांगने वाले, ठीक है, इफ गॉड हैज़ गिवन अस एबिलिटी कि हम कर सकते हैं उनके साथ, तो हमें करना चाहिए ना भाई। तो वही सीन है। तो चलो ठीक है, मैं आ गया हूँ हॉस्टल, जाता हूँ ऊपर 3:30 बजे, मुझे जिम भी जाना, जिम लगाने फिर गरबा नाइट है, वो चीज़ करना। चलो ओके गाइस बाय, लगाने फिर गरबा नाइट है, वो चीज़ करना। चलो ओके गाइस बाय। तुमचा नाम। सो गाइस अब हम जिम जाने लगे हैं, तो जिम जाने से पहले हम खाएंगे ये 2 केले, क्योंकि हमने कार्ब्स बहुत हैवी लोड किए थे, तो और साथ में क्रिएटिन का एक स्कूप ले लेंगे। तो ये पी के हम जिम जाएंगे। तो फिर आने के बाद हमारी जो नेक्स्ट मील रहेगी वो है पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन और साथ में 2 केले। तो फिर उसके बाद गरबा नाइट पे जाना है हमें, तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो फिर आके रात को पनीर और न्यूट्री तो खानी है, वो तो मैं आपको दिखाता हूँ। जिम में हमारे यहाँ चेस्ट और बाइसेप, तो वो ट्रेन करेंगे हम। तो गाइस अब हम जिम से होके आ गए हैं, तो हमारी जो मील रहेगी पोस्ट वर्कआउट वो है ये एक स्कूप वे प्रोटीन और साथ में 2 केले। तो फिर हम गरबा के लिए तैयार हो रहे हैं, लेट हो रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी गरबा के लिए तैयार होता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आउटफिट। तो गाइस ये हमारी आज की लास्ट मील, तो इसमें हमने पनीर और न्यूट्री ले लिया है, तो ये हमारी आज की लास्ट मील है। ये है हमारी आज की डाइट, तो आज की डाइट हम ये कंप्लीट करेंगे। तो कल मिलता हूँ मैं आपको डे 12 पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।